वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने, आवासहीन हितग्राहियों को उनका हक दिलाने भाजपाई बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव करते नजर आए और दुर्ग से हुए रवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत आवासहीन हितग्राहियों को उनका हक दिलाने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी हितग्राही जो मकान पाने की पात्रता रखते हैं सभी राजधानी रायपुर विधानसभा घेराव करने दुर्ग जेल तिराहा चौक से सैकड़ों की संख्या में रवाना हुए। उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी उपाध्यक्ष व हितग्राहियों का कहना था कि भूपेश सरकार लबरा सरकार है जिसने केंद्र सरकार की योजना के तहत मकान पाने वाले हितग्राहियों के साथ छल कपट किया है। इस संबंध में भाजपा के उपाध्यक्ष के एस चौहान व पार्षद ने प्रतिक्रिया दी। मोर आवास मोर अधिकार के तहत जो राज्यांश आना चाहिए था 40% भूपेश सरकार ने नहीं दिया है और इस बजट में भी उन्होंने कोई प्रावधान नहीं लिखा है रखा है जिससे कि 16 लाख परिवारों का छत छीनी गई है। जबकि केंद्र सरकार से पैसा 60% आ गया था वो जबरन वो वापिस करना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार ने पैसा वापिस दिया अपना 40% नहीं दिया। इस वजह से जो जनता है जो आक्रोशित है वो अपने छत का हिसाब लेने के लिए आज हम दुर्ग से हजारों की भीड़ में विधानसभा घेरने के लिए रायपुर जा रहे हैं और हम अब हमारा अधिकार है वो हम ले कर रहेंगे। आम जनता अपना छत चाहती है जो कि उसका अधिकार है वो लेके रहेगी। रायपुर विधानसभा घेरने जा रहे हैं। भूपेश सरकार ऐसी सरकार है जो वादा तो करती है पर उसको निभा नहीं रही है। लबरा सरकार बोला जाता है उसको। और क्या बोलते हैं हितग्राहियों का मकान भी अभी नहीं दिया गया है। 60% तो क्या बोलते हैं राज्य सरकार दे रही है अपनी गवर्नमेंट यहाँ की राज्य केंद्र सरकार दे रही है और 40% को राज्य सरकार को देना था जो अभी तक नहीं दी है। वो सिर्फ वादा बस करती है और उन वादाओं को निभाती नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भाजपा का झंडा दिखाकर सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ 4 रथों को दुर्ग शहर के 4 अलग-अलग मंडलों के लिए जिला भाजपा दुर्ग से रवाना किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यदि केंद्र सरकार 1 अप्रैल से जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार 1 अप्रैल से हितग्राहियों के लिए सर्वे कराएगी। कांग्रेस सरकार लोगों को आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। जनगणना नहीं होने की वजह से नए हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान चर्चा भी की गई है। अब नए हितग्राही भी तैयार हो गए हैं। ये तभी संभव है जब जनगणना हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण। यदि केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार अप्रैल से पीएम आवास के लिए हितग्राहियों का सर्वे कराकर उन्हें लाभ पहुंचाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।